Hello friends, welcome to my channel Unused Brain, and in this session we are continuing with this chapter locomotion and movement. और हमारे आज के session में हम पढ़ने जा रहे हैं the structure of skeletal muscles. ठीक है, तो skeletal muscle का structure आज के session में हम पढ़ेंगे और बहुत सारी चीजें देखेंगे कि जो skeletal muscles होती हैं, पहले तो क्या होती है skeletal muscle, इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था कि वो उस टाइप की मसल्स होती हैं जो कि बोन से अटैच्ड होती हैं. ठीक है, तो इस तरीके की मसल जो कि बोन से अटैच्ड होती हैं थ्रू टेंडन्स, ठीक है, वो स्केलेटल मसल्स कहलाती हैं. ओके, अब इसके स्ट्रक्चर को और स्टडी करेंगे. इस चैप्टर में हमें इसके स्ट्रक्चर को और स्टडी करना है. ठीक है, तो सबसे पहले अब एक मसल का, ये सपोज एक मसल का एक सेक्शन है, हमने एक सेक्शन काट लिया है मसल का और इसके अंदर क्या क्या चीजें जो देखने को मिलती है अब वो मैं आपको बताने जा रही हूं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे ये मसल का सेक्शन है. सबसे पहले सो द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द मसल. ठीक है, सो आउटर मेम्ब्रेन की बात कर लेते हैं. ये एक मसल का सेक्शन है, तो ये एक मसल की आउटर मेम्ब्रेन होगी. आउटर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एपिमाइसियम. ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन को एपिमाइसियम या फिर फेसिया भी कहा जाता है. ठीक है, सो इट इज द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ दिस मसल. ठीक है, सेक्शन है तो इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं वो भी देख लेते हैं. ठीक है, दिस मसल कंटेन सम स्ट्रक्चर्स इनसाइड इट, इसके अंदर भी कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है. ठीक है, यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर्स हैं. कैसे स्ट्रक्चर्स, ये अब इसके बारे में मैं बताती हूँ. कहाँ फिल्ड है, इसके अंदर कनेक्टिव टिश्यू भरा हुआ है. ठीक है, मसल के अंदर होता है कनेक्टिव टिश्यू, मतलब उसका जो फ्लूइड है वो उसके अंदर भरा हुआ है. तो इसके अंदर सबसे पहले बात कर लेते हैं कनेक्टिव टिश्यू. ठीक है, तो इसके अंदर फिल्ड है कनेक्टिव टिश्यू, एंड दिस कनेक्टिव टिश्यू कंटेन नर्व फाइबर्स एंड ब्लड वेसल्स. ठीक है, तो यहाँ पे मसल का सेक्शन करा, उसके अंदर हमें क्या क्या चीजें देखने को मिली. हमें उस वहां पे भैया कनेक्टिव टिश्यू देखने को मिला, उसमें हमें नर्व्स और ब्लड वेसल्स दिखी, और हमें कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स देखने को मिले. ठीक है, ऐसे स्ट्रक्चर्स, इनको कहा जाता है मसल बंडल. ठीक है, तो हमें कुछ मसल बंडल्स देखने को मिले. ठीक है, तो मसल बंडल्स जो है हमारे, अब एक मसल बंडल को मैं एक्सटेंड कर लेती हूँ. ठीक है, अब मैं इसको निकाल देती हूँ. अब हमने एक मसल बंडल को बाहर निकाल दिया. ठीक है, मसल बंडल कोई ऐसे कोई चीज में स्टफ नहीं है, एक ये एक ऐसी ही वेसल है. सपोज एक मसल है, मसल के अंदर ऐसी ही एक और पाइप है जो कि बंडल्स उसके अंदर फिटेड है. ठीक है, सपोज ये एक और अगर मार्कर मैं ले लूं तो यहाँ पे, ठीक है, ये बहुत सारे मसल बंडल्स हैं, ऐसे मसल बंडल्स फिट हैं, और इसके ऊपर है हमारी एपिमाइसियम. ठीक है, एपिमाइसियम कवर कर रही है इन बंडल्स को, एंड एपिमाइसियम आल्सो कंटेन द कनेक्टिव, मतलब एपिमाइसियम के अंदर फिर भरा हुआ है कनेक्टिव टिश्यू, और वहां पे नर्व्स है भाई, बहुत सारी ब्लड वेसल्स हैं इनको ब्लड सप्लाई करने के लिए. ठीक है, इम्पल्स सप्लाई करने के लिए. यहाँ पे अब देते हैं, तो एक कनेक्टिव टिश्यू हो गया. ठीक है, अब एक मसल बंडल को मैंने खोल लिया, तो यहाँ पे दिस स्ट्रक्चर, ये हमारा, यहाँ लिख देती हूँ, तो ये है एक हमारा मसल बंडल. ठीक है, मसल बंडल को फेसिकल्स कहा जाता है. ठीक है, मसल बंडल्स को फेसिकल्स कहा जाता है, एंड द मेम्ब्रेन इज कॉल्ड फेसिया. ठीक है, चलो अब मसल बंडल हो गई. दिस मसल बंडल कंटेन ऑल्सो कंटेन सम स्ट्रक्चर, अब इसके अंदर भी जैसे मसल के अंदर ये मसल बंडल्स भरे हुए हैं, तो वैसे ही इस मसल बंडल के अंदर ही ऐसे कुछ और पाइप्स भरे हुए. ठीक है, वो भी देखते हैं. तो यहाँ पे, ठीक है, इसके अंदर तो सभी के अंदर मैं बना देती हूँ, तो सभी के अंदर वो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे. यहाँ जिसको मैंने एक्सटेंड करा है उसके अंदर भी ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे. ठीक है, तो इसको भी अभी मैं खोल के आपको बताऊंगी. इससे पहले मैं आपको मेम्ब्रेन बता देती हूँ मसल बंडल की. ठीक है, द मेम्ब्रेन ऑफ द मसल एपिमाइसियम, द मेम्ब्रेन ऑफ द मसल बंडल. ठीक है, तो यहाँ पे द मेम्ब्रेन इज कॉल्ड पेरिमाइसियम. ठीक है, सो द मेम्ब्रेन इज कॉल्ड पेरिमाइसियम, याद रहेगा आपको. ठीक है, पेरिमाइसियम मसल बंडल तक आ गए. ठीक है, मसल बंडल को फेसिकल्स कहा जाता है. मसल बंडल बहुत सारे भरे होते हैं और उसके ऊपर होती है हमारी एपिमाइसियम. क्लियर, अब पेरिमाइसियम हो गई. मसल बंडल के अंदर भी और कुछ
ऐसे ही स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो चलिए एक और एक्सटेंड कर लेते हैं इसको भी, एक स्ट्रक्चर को लिया और एक्सटेंड कर लिया, ठीक है। ये क्या है, ये जो मैंने एक निकाला ये है हमारा मसल फाइबर। तो मसल बंडल के अंदर होते हैं मसल फाइबर, ठीक है। इन मसल फाइबर को मसल सेल भी मैं कह सकती हूँ, ठीक है। जैसे कि हमारी बॉडी में सेल्स होती हैं, तो मसल्स में भी सेल्स होती हैं, जो कि अगर वो मसल से रिलेटेड है तो वहां पे उनका नाम मसल फाइबर दे दिया, उनको मायोसाइट भी कहा जाता है, ठीक है। मसल सेल कह सकते हो आप। तो एक मसल सेल मैंने खोल दी, ऐसी बहुत सारी मसल सेल्स और मसल फाइबर्स अंदर भरे होंगे, ठीक है। इसके पास भी एक मेम्ब्रेन होगी बच्चों। तो यहाँ पे दी मेम्ब्रेन, यहाँ लिख देती हूँ, द मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एंडोमाइसियम। और बहुत सिंपल है, बाहर वाली का एपीमाइसियम, बीच वाली का पेरीमाइसियम, और सबसे जो अंदर वाली का है उसका एंडोमाइसियम है, ठीक है। द मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एंडोमाइसियम। तो एंडोमाइसियम इसकी इनर मेम्ब्रेन है हमारी मसल फाइबर। ये हो गया, ठीक है। अभी हम और चीज देखेंगे, अब हम मसल फाइबर को देखने जा रहे हैं, मसल फाइबर कैसा होता है, इसके अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया, आपको क्लियर हो गया कि सबसे पहले मसल, मसल के बाद मसल बंडल, ठीक है, एंड मसल बंडल के बाद उसके अंदर से निकले मसल फाइबर्स। तीनों की अलग अलग मेम्ब्रेन है, सबके अलग अलग नाम है, ठीक है। एंड द कनेक्टिव टिश्यू कंटेन नर्व फाइबर्स एंड ब्लड वेसल्स, जो कि सप्लाई के लिए बहुत एसेंशियल है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे हम करते हैं मसल फाइबर। इस मसल फाइबर का एक स्ट्रक्चर मैं बना देती हूँ यहाँ, ठीक है। तो मसल फाइबर का एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ये भी बहुत एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये चीजें आपको जानना काफी जरूरी है अगर आप मसल, स्केलेटल मसल का कॉन्ट्रैक्शन पढ़ना चाहते हो, ठीक है। और इस चैप्टर से भी क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे एक मसल फाइबर को अब हमने जूम कर लिया, ठीक है। तो ये हो गया हमारे एक मसल फाइबर। मसल फाइबर कंटेन द आउटर मेम्ब्रेन, राइट। मसल फाइबर कंटेन द आउटर मेम्ब्रेन, दिस मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एंडोमाइसियम, ठीक है। यहाँ पे मसल फाइबर की जो, जिससे वो बनी होती है, बिल्कुल जो इससे अटैच्ड मेम्ब्रेन है, उसको सार्कोलेमा कहते हैं, ठीक है। सो दिस मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सार्कोलेमा। अब यहाँ पे आप पूछोगे कि मैम एंडोमाइसियम है कि सार्कोलेमा है। तो बच्चों एक बात आप यहाँ पे नोट कर लो कि दिस एंडोमाइसियम इट ओवरलाइज द सार्कोलेमा, ओवरलाइज द सार्कोलेमा, यानी कि पहले होती है सार्कोलेमा और उसके बाद ऊपर होती है दिस एंडोमाइसियम मेम्ब्रेन, ठीक है। तो सार्कोलेमा हो गई, ठीक है। दिस मसल फाइबर कंटेन सार्कोलेमा, दिस मसल फाइबर ऑल्सो, ये सेल है तो इसके पास भी फ्लूइड भरा होगा बच्चों। तो यहाँ पे इट ऑल्सो कंटेन सम फ्लूइड इनसाइड इट, ठीक है। चलो यहाँ पे फ्लूइड भरा हुआ है, क्या है इसका नाम, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं मसल, तो नाम साइटोप्लाज्म नहीं होगा, सार्कोप्लाज्म होगा, ठीक है। तो सार्कोप्लाज्म, सार्कोप्लाज्म, ठीक है। सार्कोप्लाज्म बेसिकली द फ्लूइड दैट प्रेजेंट इनसाइड द मसल फाइबर। तो फ्लूइड भरा होता है, ठीक है। क्या क्या चीजें होंगी इस फ्लूइड में, द फ्लूइड कंटेन सेल ऑर्गेनल्स, ठीक है। काफी सारे सेल ऑर्गेनलीज होंगे। दिस कंटेन्स स्टोर्ड ग्लाइकोजन, यहाँ पे ग्लाइकोजन प्रेजेंट होगा, ठीक है। दिस कंटेन प्रोटीन्स, स्टोर्ड प्रोटीन्स होंगे। किस तरीके के प्रोटीन्स हो सकते हैं, यहाँ पे जो प्रोटीन्स होते हैं उनके नाम भी बच्चों अलग होते हैं, जैसे कि मायोजन, ठीक है, और मायो एल्ब्यूमिन, ठीक है। मायोजन हो गया, मायो एल्ब्यूमिन हो गया, इस तरीके के प्रोटीन है, और मायोग्लोबुलिन हो गया, मायोग्लोबुलिन हो गया। मायोग्लोबुलिन आपने सुना भी होगा, ये एक ओटू बाइंडिंग प्रोटीन है, ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन है, जैसे कि हमारा हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है। वैसे मायोग्लोबिन है हमारा, ये भी ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन है, वहां पे अलग इसमें डिफरेंस है, वो यहाँ पे पढ़ने की चीज नहीं है, ठीक है। तो सार्कोप्लाज्म, इट कंटेन सार्कोलेमा, सार्कोप्लाज्म हो गया। और क्या क्या चीजें हैं इसके अंदर, ठीक है, चलो और देख लेते हैं। तो द स्ट्रक्चर, इसके पास सेल कंटेन न्यूक्लियस ऑल्सो, ठीक है। अब अपने सेल के पास भैया न्यूक्लियस भी होता है, हर सेल के पास होता है, ठीक है। यहाँ पे न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है, कहाँ प्रेजेंट है, पेरीफेरी पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो न्यूक्लियस जो ये प्रेजेंट है एट
पेरिफ्री, ठीक है, पेरिफेरल रीजन पे न्यूक्लियस प्रेजेंट है। बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं तो यहाँ पे मल्टी न्यूक्लिएटेड है, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड है, ठीक है। और क्या क्या चीजें प्रेजेंट है बच्चों, मैंने आपको बताया यहाँ पे सार्कोप्लाज्म है, सार्कोप्लाज्म कंटेन सेल ऑर्गेनल, ठीक है। तो द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ दिस मसल फाइबर, ठीक है, सो द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ दिस मसल फाइबर इज कॉल्ड सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सार्कोप्लाज्म प्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे, ठीक है। ये जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इनका होता है, ये कैल्शियम आयंस का रिजर्वायर होता है, इसमें बहुत सारे कैल्शियम आयन प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे ये रिजर्वायर होता है ऑफ कैल्शियम आयंस, ठीक है, दिस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। माइटोकॉन्ड्रिया, जो इनका माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसको क्या कहते हैं, द माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड सार्कोसोम, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को सार्कोसोम कहेंगे, ठीक है। सेल ऑर्गेनल्स की भी बात हो गई, और क्या होता है इस मसल फाइबर में। अब इस मसल फाइबर में कुछ और स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, यानी कि इसके अंदर भी कुछ है, ठीक है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे भी ऐसे ही कुछ पाइप्स प्रेजेंट है, ठीक है, जो कि इसे पहले वाले स्ट्रक्चर्स में आपने देखे थे। तो यहाँ पे ऑल्सो इट ऑल्सो कंटेन सम स्ट्रक्चर्स इनसाइड इट, और इन स्ट्रक्चर्स को क्या कहा जाता है, अब इनका नाम है मायोफिब्रिल्स, ठीक है, यहां लिख देती हूँ। तो ये है हमारे मायोफिब्रिल्स, ठीक है, या मायोफाइब्रिल्स, ये हमारे मायोफाइब्रिल्स हो गए। अब ये इससे भी स्मॉलेस्ट यूनिट है, यानी कि इससे भी स्मॉलेस्ट है, अब इसको भी हम एक्सटेंड करेंगे, इसको भी हम खोलेंगे, तो अब हम मायोफिब्रिल की बात करेंगे, ठीक है, आप इतना नोट कर लीजिए पहले। सो नाउ ईच मसल फाइबर कंसिस्ट ऑफ मेनी मायोफिब्रिल्स, राइट। तो हर मसल फाइबर में बहुत सारे मायोफिब्रिल्स होते हैं, और इसका स्ट्रक्चर मैंने यहाँ बना दिया है, ठीक है, क्योंकि ये टाइम टेकिंग होता तो यहाँ पे आपको ये काफी कलरफुल सा बढ़िया सा स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो ये मायोफिब्रिल है, ठीक है। अब इस मायोफिब्रिल में क्या क्या चीजें होती है वो भी देख लेते हैं, ठीक है। अब इस मायोफिब्रिल में, ठीक है, ये ऑलरेडी मैंने बना दिया है, तो लेकिन फिर भी इसकी चीजें मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने बनाई है कुछ डिस्क, ठीक है, और कुछ लाइन्स। तो ये जो हमारी जिगजैग लाइन्स है, ये रही एंड ये दिस साइड पे, ठीक है, ये जो जिगजैग लाइंस मैंने आपको बनाई हैं, मैंने यहाँ पे बनाई हैं, ये है हमारी जेड डिस्क, ठीक है, जेड डिस्क कह लो या फिर इनको जेड लाइंस भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये जेड लाइंस है। नाउ ये जो फिलामेंट्स हैं, अब इससे कुछ फिलामेंट्स अटैच है जेड लाइन से, ये वाले जो फिलामेंट्स हैं ब्लैक कलर में, ठीक है, ये वाले हमारे जो फिलामेंट है ये थिन फिलामेंट्स होते हैं, थिन फिलामेंट्स, ठीक है। अब ये जो थिन फिलामेंट्स होते हैं ये कौन से प्रोटीन के बने होते हैं, ये एक्टिन प्रोटीन के बने होते हैं, ठीक है, एक्टिन प्रोटीन के बने होते हैं, ये आप याद रखना। कभी कभार थिन फिलामेंट्स को ही एक्टिन फिलामेंट्स कह देते हैं, क्यों कह देते हैं, क्योंकि ये थिन फिलामेंट्स, ठीक है, थिन फिलामेंट्स नाम से ही आप देख सकते हो, क्योंकि ये पतले हैं, तो थिन फिलामेंट्स एक्टिन प्रोटीन के बने होते हैं, ठीक है, इसीलिए एक्टिन फिलामेंट्स कह दिया जाता है। अब ये हमारे दूसरे तरीके के फिलामेंट्स हैं, ये वाले जो ब्लू कलर के मैंने बनाए हैं ये है हमारे थिक फिलामेंट्स। अब थिक फिलामेंट्स किसके बने होते हैं, थिक फिलामेंट्स कौन से प्रोटीन के, मायोसिन प्रोटीन के बने होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोटीन है मायोसिन, ठीक है, ये दोनों प्रोटीन के नामों को आप याद रखना, एक्टिन प्रोटीन के बने होते हैं थिन फिलामेंट्स, और मायोसिन प्रोटीन के बने होते हैं थिक फिलामेंट्स, ठीक है। तो हो गया जेड डिस्क, होगी हमारे पास, ठीक है, यहाँ पे और क्या क्या चीजें हैं इसमें। अब यहाँ पे ये एक जेड लाइन है, ठीक है, तो एक जेड लाइन, ये हमारी दूसरी जेड लाइन, ठीक है, दो जेड लाइन के बीच में, दो जेड लाइन के बीच के स्ट्रक्चर को कहा जाता है सार्कोमेर, ठीक है। सो द स्ट्रक्चर बिटवीन टू जेड लाइन इज कॉल्ड सार्कोमेर, ठीक है। तो आप यहाँ पे सार्कोमेर याद रखना, सार्कोमेर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी मैं एक्सटेंड करके बताऊंगी। तो सार्कोमेर यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, द स्ट्रक्चर और द पार्ट बिटवीन टू जेड लाइन, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन में मैं लिख सकती हूँ, द पार्ट ऑफ मायोफिब्रिल, मायोफिब्रिल का वो पार्ट बिटवीन
टू जेड लाइन जो कि दो जेड लाइन्स के बीच में होता है सिर्फ वो पार्ट सार्कोमेयर कहलाता है। ये जो सार्कोमेयर होता है और क्या क्या चीजें हैं, ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है मसल, ठीक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है और सबसे छोटी यूनिट है, तो यहाँ पे इसको स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कहा गया है मसल की। क्यों कहा गया है, क्योंकि ये ही तो बेसिक यूनिट है जो कि इस पूरे स्ट्रक्चर को प्रिपेयर करती है। ये यहाँ पे इसको स्ट्रक्चरल यूनिट और फंक्शनल यूनिट भी है, क्योंकि यहाँ पे इसी का फंक्शन, आगे चल के हम इसी का फंक्शन ही तो देखेंगे, इसी की वजह से ही तो पूरी मसल मूव कर पाती है। तो दैट्स व्हाई इट इज द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल। स्ट्रक्चर, ये बेसिक स्ट्रक्चर है, इसके बाद ही सारे स्ट्रक्चर आए हैं। फंक्शनल, क्योंकि ये फंक्शन परफॉर्म करती है और इसी की वजह से हमारी जो मसल है वो फंक्शन परफॉर्म करती है। सो इट इज द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल। एक और चीज हम इसको एक और डेफिनेशन दे सकते हैं, इट इज द कॉन्ट्रेक्टाइल यूनिट। कॉन्ट्रेक्टाइल यूनिट ऑफ मसल फाइबर, ठीक है। हमारी जो मसल फाइबर है, हमने यहाँ पे मसल फाइबर देखी, मसल फाइबर की कॉन्ट्रेक्टाइल यूनिट कहलाती है ये सार्कोमेयर, क्योंकि इट हेल्प इन द पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करती है, यहाँ पे आप कॉन्ट्रैक्शन देखेंगे, ठीक है। अभी मैं सार्कोमेयर को भी एक्सटेंड करूंगी, इस वाले पार्ट को एक्सटेंड करूंगी, और तब आप यहाँ पे देखोगे कि कैसे ये थिन फिलामेंट और थिक फिलामेंट कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, मतलब आपस में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, आपस में पास आते हैं, और उसी की वजह से होता है कॉन्ट्रैक्शन और मसल मूव कर पाते हैं। तो इसी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से, थिन फिलामेंट्स और थिक फिलामेंट्स की मूवमेंट की वजह से ही ये हमारा जो मसल है वो मूव कर पाता है, कोई भी वर्क कर पाता है। तो इसीलिए इट इज कॉल्ड द कॉन्ट्रेक्टाइल यूनिट ऑफ मसल फाइबर, ठीक है। ये जो हमारी सार्कोमेयर है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप याद रखिएगा, द मायोफिब्रिल जो है, ठीक है, दिस मायोफिब्रिल और मसल फाइबर में बहुत सारे ऐसे मायोफिब्रिल पाए जाते हैं, और बहुत सारे ऐसे मायोफिब्रिल्स में सार्कोमेयर्स पाए जाते हैं, बहुत सारे। एक ही मायोफिब्रिल में आपने एक सार्कोमेयर ये रहा, एक ये रहा, ठीक है, आगे भी देखेंगे, ठीक है। कैसे है बच्चों, ये मैंने आपको ऐसे दिखाया, वैसे ये सिलेंड्रिकल होते हैं, ठीक है। तो उस पार्ट में भी आपको देखने को मिलेगा, तो ऐसे ही सिलेंड्रिकल होते हैं, ठीक है। ये तो रही इसकी बात, आप ये सब चीजें नोट कर लीजिए, कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे भेज सकते हैं। और अब हम देखते हैं सार्कोमेयर का स्ट्रक्चर।